अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहां हूं। यह हज़रत नाना बा वली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है जो बेंगलोर के एकदम बीचों बीच में है। ये देखिए, यह है वो मकबरा। दोस्तों, ये मकबरा अहमद ख़ान साहब का है जो सूबेदार फरीद ख़ान साहब के बेटे थे। और यहाँ पे आप जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खतबा तारीख, अहमद ख़ान मरहूम फरजंद सूबेदार बहादुर फरीद ख़ान। यानी कि आप अहमद ख़ान मरहूम फरजंद हैं सूबेदार बहादुर फरीद ख़ान साहब के। और यहाँ पे एक छोटा सा शेर भी लिखा हुआ है, था एक नौजवान नेक इखलाक, जाहिर थी जिसकी मनखिरत, फरजंद फरीद ख़ान सूबेदार, जब दारे फना से पाए रहलत, ख़बर से निकले और बोले अहमद ख़ान, वो नौजवान हुआ जवान जन्नत। दोस्तों, यहाँ पर हिजरी भी लिखी हुई है और हिजरी के हिसाब से डेट बनता है 1856। अभी चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको वो ये मकबरा दिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये देखिए जी, आप हैं जनाब अहमद ख़ान साहब और इनके वालिद थे सूबेदार फरीद ख़ान साहब। यानी कि ये अलसूर के आसपास के इलाके या फिर ये सूबे के सूबेदार हुआ करते थे फरीद ख़ान साहब। और उन्होंने अपने बेटे के लिए ये मकबरा तामीर करवाए थे। देख सकते हो ये पिल्लर पत्थर, देखो ये सब सॉलिड स्टोन वर्क है और बहुत बहुत पुराना है। और साथ ही साथ इस गुंबद का जो ये अंदरूनी हिस्से के ईंटें हैं, उन ईंटों को देखने से पता चलता है कि ये पुराना कंस्ट्रक्शन ही है। दोस्तों, अहमद ख़ान साहब कौन थे ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनका डिजिग्नेशन क्या था या उनका रैंक क्या था एंड ऑल, लेकिन सूबेदार फरीद ख़ान साहब हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने में रहे होंगे, क्योंकि अहमद ख़ान साहब का इंतकाल 1273 हिजरी यानी कि 1856 में हुआ है। तो सूबेदार फरीद ख़ान साहब उनके वालिद थे, तो यू नो 40-50 साल पीछे की बात कर लीजिए आप, तो हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने से वो होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सूबेदार हैं तो अलसूर इस एरिया के उस ज़माने में सुल्तान के ही सूबेदार रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो तीन कब्रें हैं, इन तीन कब्रों में कौन आराम फरमाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो बीच की कब्र है ये तो अहमद ख़ान साहब की ही है, ये कन्फर्म है। हो सकता है कि उनके वालिद मरहूम बहादुर सूबेदार फरीद ख़ान साहब को भी यहीं पर मदफून किया गया हो, या उनके दो भाई हों, अल्लाहु आलम। मैं इतना नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस जगह की हिस्ट्री भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। कंस्ट्रक्शन देखो, चलो पीछे से दिखाता हूँ।
दोस्तों इस मकबरे के बारे में मुझे सैयद करीम साहब ने बताया था और मैं यहाँ पे आके देखने से मैं भी हैरान हूँ कि सुल्तान के ज़माने के एक सूबेदार और उनके फ़र्जंद को यहाँ पे मदफून कराया गया है और अभी तक हम लोगों को भी नहीं पता था। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज कुछ नया जानने को मिला होगा, अगर ये जानकारी आपको सुन के या जान के अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।